और ये हमारे चैनल के नाम, और ये गुजराती में कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। लेकिन भाई इस जो मोटो ब्लॉगिंग का जो मजा है वो काफी नेक्स्ट लेवल है। आप अपने सारा सामान लेके निकल पड़िए कहीं पे भी एंजॉय करते हुए। ये देखिए, ये है इंजीनियर जो कुछ चलो डाटा तो भाई यहाँ से पीछे आप देख सकते हो, ये है दातार हिल, रे हिस्टोरिकल क्लॉक टावर, और ये प्यारा सा ग्राउंड, और हमारे देश की शान त्रिरंगा। तो गुड आफ्टरनून गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका मैं वेलकम करता हूँ इस नए व्लॉग में। तो अगर भाई आप नए हैं इस वीडियो में तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को जिसका नाम है डायरेक्शन माइल्स, और बेल आइकॉन को भी जल्दी से प्रेस कीजिए। और भाई आज की जो ये सीरीज अभी होने वाली है, पहले तो आपको ये बाइक दिखा दूँ। ये मेरी फ्रेंड की बाइक है, तो भाई की भी एक चैनल है, लाइफ इज जर्नी। तो कुछ हमने इसमें जुगाड़ किया है। यहाँ पर पीछे ये वुडन का एक प्लेटफॉर्म, और ये हमारे चैनल के नाम, और ये गुजराती में कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो चलते हैं भाई अभी कच्छ, और करीबन हमारा प्लान है, करीबन हम 10 से 15 दिन कच्छ में ठहरने वाले हैं। सारा कच्छ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपको मालूम ही होगा कि जो इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ये डिस्ट्रिक्ट है कच्छ। तो चलते हैं अभी कच्छ, और रास्ते का सारा ब्यूटीफुल व्यू, नज़ारा हम एंजॉय करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस अमेजिंग ब्लॉग में। तो लेट्स गो। तो अगर आपने मेरी जो पुरानी वीडियोज़ है गिरनार की वो देखी होगी तो आपको मालूम होगा ये नरेंद्र भाई मेरे अच्छे फ्रेंड्स है, और अभी हम जाने वाले हैं कच्छ नरेंद्र भाई की बाइक में। जो बाइक भी आपको मैंने दिखाई, नरेंद्र भाई के चैनल का नाम है लाइफ इज जर्नी। तो ज़रूर बाइक के वीडियोस देखिए। तो चलते हैं अभी कच्छ, और यहाँ से कच्छ की दूरी है 350 किलोमीटर। तो रास्ते में जो कुछ भी होने वाला है, सारे मूवमेंट, सारे ब्यूटीफुल व्यू आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं इस ब्लॉग में, तो बने रहिए गाइस। काफ़ी लाजवाब और बढ़िया चाय है। तो थोड़े देर हम यहाँ पर ठहरे थे, यहाँ का बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो चाय कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा प्लान था कि आज हम कच्छ शायद पहुँच सकेंगे, लेकिन अभी 3 से 3:30 बज गए, इसलिए तो इम्पॉसिबल है कच्छ पहुँचना। लेकिन अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ सरप्राइज़ आपके लिए और हमारे लिए रास्ते में।
अभी ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं राजकोट। दोनों साइड है इंडस्ट्रियल एरिया और आप देख सकते हैं चारों तरफ फोग ही फोग है। अभी थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है, लेकिन भाई इस जो मोटो व्लॉगिंग का जो मज़ा है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। आप अपने सारा सामान लेके निकल पड़िए कहीं पर भी एंजॉय करते हुए। कई लोग मिलते हैं, जब ये बाइक पे चला रहा था तब कई सारे लोग मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो अभी ये है टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं। तो ये हमारी बाइक और अभी हम पहुँच चुके हैं नियर बाय राजकोट। और ये देखिए ये है इंजीनियर जो कुछ इसमें है। बोला बोला। तो ये है मेरा कजिन ब्रदर अंकित जो कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करता है। भाई कहाँ पे जॉब करता है? मैं इधर टॉप क्रेन सर्विस में जॉब करता। टॉप क्रेन सर्विस यानी कि तू क्रेन बना रहा है? और सारे इंडिया को बेचता है? सारे इंडिया। तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते हैं। जी 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 श्योर श्योर। तो कुछ यहाँ पर होल्ड करते हैं, चाय पानी पीते हैं और फिर से आगे हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये भैया पतीले का साइज देखिए, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर राजकोट में चाय मिलती है और काफ़ी भाई डिलीशियस नेक्स्ट लेवल। तो भाई हमने चाय पानी पी ली, थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, काफ़ी एंजॉय किया। तो अभी चलते हैं यहाँ से मोरबी की तरफ जो कि यहाँ से 191 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। और ये हमारी बाइक ऑलमोस्ट। नरेंद्र भाई रेडी? चलो रेडी, ठंडी लग रही है, वाह। चलो चलते हैं। तो ये हमारी बाइक, ये पूरा रास्ता। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टंकारा जो कि यहाँ से थोड़ी दूर पर है मोरबी, जहाँ पर हम नाइट होल्ड करने वाले हैं। तो मैं बता दूँ ये टंकारा सिटी, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एक संत हो गए जिसका नाम है दयानंद सरस्वती, उनका जन्म यहाँ पर हुआ था टंकारा में। तो हम ठहरे थे थोड़ी देर यहाँ पर, तो चाय पानी पीते हैं, थोड़ी देर होल्ड और बहुत सारा होल्ड हो गया। और अभी करीबन 20-25 मिनट में हम पहुंच चुके गए मोरबी। तो पीते हैं चाय अभी। नरेंद्र भाई कैसी हो चाय? चाय तो बढ़िया है, आज मौसम थोड़ा बेईमान हो गया, ठंडी काफ़ी और लग रही है। जी जी, ये चाय बन दो भाई चाय। जय किन्नरी, जय किन्नरी। तो अभी हम है टंकारा में और पहुंचने वाले हैं मोरबी। यहाँ पर नाइट स्टे करके कल फिर हम चलेंगे कच्छ। तो ठीक है, चल दिया भाई। ओके लेट्स गो। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं मोरबी और अभी हम गुजर रहे हैं पाडापुल। जी हाँ हाँ, ये है मच्छू रिवर। तो कुछ फैक्ट मोरबी के बारे में कुछ बातें हम कल करेंगे। स्टैच्यू आया है पाडा का, पाडा का स्टैच्यू, बफेलो का पाडा का ये स्टैच्यू, इसीलिए इसे पाडापुल कहा जाता है। गुड आफ्टरनून गाइस। तो मैं अभी हूँ मोरबी में और यहाँ पर जो मेरे साथ है नरेंद्र भाई, उसके यहाँ पर रिलेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ठहरा था, शाम को खाना यहाँ पर खाया था, ब्रेकफास्ट यहाँ पर किया था और अभी 1-2 बज गए। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे भुज की तरफ। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, दीदी थैंक यू। अक्षित
थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, निकलते हैं रविंद्र भाई। नहीं जाते। तो ये हमारी कुछ सवारी, इसमें कुछ बैग बिगड़े नहीं, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन और निकलते हैं अभी पूछ की ओर। पूछ की ओर आला। चलो डाटा। नज़दीक में जो खदान होती है उसमें से यहाँ पर रॉ मटेरियल निकाला जाता है टाइल्स के लिए। बाद में यहाँ पर जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर वो रॉ मटेरियल जाता है और बाद में आप में आपके घर में सजाने के लिए टाइल्स बहुत ही सुंदर रेडी होती है। क्या बोल रहे भाई, सही ना? सही सही। कांग्रेचुलेशन काके फॉर न्यू ट्रक। और अभी हम पहुंच चुके हैं सूरजबारी पुल। सूरजबारी पुल यानी कि जो सौराष्ट्र और एक साइड है कच्छ, तो सौराष्ट्र और कच्छ को दोनों को कनेक्ट करता है ये ब्रिज, ये है सूरजबारी ब्रिज। और ये पूरी खाड़ी बे इस तरफ चारों ओर होती है। नमक की ज़्यादातर खेती होती है कच्छ में और नियर बाय यहाँ पर। और ये है कुछ शानदार व्यू। तो भुज अभी करीबन है, कितना होगा भाई अभी, 120 130 के करीबन, 100 के करीबन, 120 के करीबन। ओके, तो आप बताइए भाई, ये स्पेशली मोटो राइडिंग में आपका एक्सपीरियंस अमेजिंग। वो भी इतनी जर्नी के बाद, ये जो आप पीछे व्यू देखोगे दिल खुश हो जाएगा। देखिए तो भाई, वहाँ पर कुछ मछुआरे फिशिंग कर रहे हैं और दूर 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 समुद्र दूर दिख तक रहा है। आपको कुछ नहीं दिखेगा इस साइड भी और इस साइड भी, लैंड एरिया ही नहीं है पूरा, ये बे है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अभी भुज। तो यहाँ पर हमारी बाइक सामान, और अभी हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं बचाऊ सीढ़ी और वहाँ से आगे भुज। तो लोकेशन काफ़ी बढ़िया था यहाँ पर, तो थोड़ी देर यहाँ पर सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पर बैठते वेट करते हैं। और दीदी ने हमारे लिए जो स्पेशली बटाका पोहा बनाए थे आलू के, आलू पोहा, तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठते कुछ नाश्ता करते हैं। ये हमारे पोहा भी रेडी है और नरेंद्र भाई फोन पे बात करते हुए अभी ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। काफी बढ़िया।
तो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ भुज। भुज के करीबन नज़दीक 2-3 किलोमीटर नज़दीक एक माधापर, एक बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पर। ये यक्ष मंदिर है, बहुत बड़ा यहाँ पर एक टेंपल है और बहुत सारे यहाँ रूम्स है। तो यहाँ पर आए थे हम और यहाँ पर अभी ये रूम हमने यहाँ पर रखा है। तो आज यहाँ पर नाइट बिताएंगे, कुछ वर्क करेंगे। तो थोड़ी सी रूम टूर, ये हमारा सब लगेजिस और काफ़ी भाई अच्छा है, क्लीनिंग काफ़ी अच्छी है। ये वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। और भाई आज का हमारा फर्स्ट डे इन कच्छ में, आज का हमारा डिनर भी रेडी है। हम अभी गए थे पाव भाजी लेने के लिए और घर के स्पेशल नरेंद्र भाई और मैं भी लाए हैं परोठे। तो डिनर एंजॉय करते हैं। तो ये मम्मी के हाथ के परोठे, ये पाव भाजी की भाजी। काफी बढ़िया, घर के बाहर घर का टेस्ट, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना नरेंद्र भाई। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं ये मोटा व्लॉगिंग मैंने की है, जो कि जूनागढ़ से यहाँ कच्छ भुज तक हम अभी पहुँच चुके हैं। तो इसी व्लॉग में गाइस इतना ही, इसी के साथ मिलेंगे एक नए व्लॉग में, नए डेस्टिनेशन में। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जिसमें मैं मेरी रेगुलर अपडेट ट्रैवलिंग के रिलेटेड मैं उसमें डालता हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय, गुड नाइट।